दोस्तों, एक मदरबोर्ड आया मेरे पास और इसमें एक प्रॉब्लम यूज़र ने लिख के दिया है कि इसमें लैंड पोर्ट नहीं काम कर रहा। जो भी इंजीनियर वगैरह विजिट किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है लैंड पोर्ट नॉट वर्किंग और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे छोड़ गया है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसमें रियली में लैंड पोर्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा। कई बार इस केस में होता है कि दो तरह होता है कि कभी कभार काम करता है, कभी नहीं करता है, या बिल्कुल ही नहीं करता है, ठीक है, या परमानेंटली फाउंड होके होता है, कुछ और इशू होता है वहाँ पे तो भी नहीं चलता। तो चलिए इसमें हम देखते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे SSD को कनेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ हमेशा लगा के रखता हूँ। तो चलिए अब ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और इसके लिए मैं अब डीबग कार्ड लगा लेता हूँ इसमें, कि देखता हूँ कि डेटा वगैरह बन रहा है कि नहीं, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम डिस्प्ले चेक करेंगे। इस केस में कई बार वो लिखा होता है लेकिन जो फॉल्ट होता है अपोजिट होता है, ठीक है। तो चलिए ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है और डेटा कोई भी फेच नहीं किया। तो VGA केबल लगाते हैं इसमें और देखते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है, डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फोर्थ जनरेशन का इसमें प्रोसेसर का यूज़ हुआ है, तो डिस्प्ले अभी तक नहीं आया, देख सकते हैं आप। तो वेट करते हैं डिस्प्ले आने तक। तो वहाँ पर इनपुट नो सिग्नल का मैसेज आ गया है। तो इसमें अभी सबसे पहले तो नो डिस्प्ले का इशू है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार रैम को दोबारा से निकाल के दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमने रैम को रिफिक्स कर लिया, अब ऑन करते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पर ट्रिगर पैनल फ्रंट साइड में ऑन हो गया है। अब देखते हैं, तो कई बार अब बंद हो चुका है एक बार मदरबोर्ड, अब दोबारा ऑन होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो ऑन हो गया, लेकिन डेटा तो यहाँ पे बन नहीं रहा और ऑन ऑफ का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ऑन हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम CPU सॉकेट जो होता है ये वेरीफाई करते हैं। ये ओके होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो फिर ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पिन डैमेज कर देते हैं कई बार। देखिए तो ये एक पिन यहाँ पर डिस्टर्ब लग रहा है, तो इसको भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी इस पर भी रबड़ लगाने की ज़रूरत है। क्लीन है बट उतना क्लीन नहीं है, तो फिलहाल रबड़ लगा के आपको दोबारा बता दें। तो दोस्तों, फिलहाल अब बोर्ड को ऑन करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, क्लीन करके लगा दिया इसमें, देखते हैं। तो दोबारा रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम अपने प्रोसेसर से चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी मदरबोर्ड तो बंद नहीं हुआ है और डिस्प्ले भी अभी तक नहीं आया है, तो देख सकते हैं आप। और एक बात और कहूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है, अभी तो नो डिस्प्ले ही है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है इनका रैम वगैरह चेंज कर लेते हैं कई बार। तो आप लोग भी इसका ज़्यादा बिलीव मत करिए किसी की रैम पे, तो अपने सेटअप की रैम लगाइए, अपने सेटअप की रैम यूज़ करिए, या ओके रैम होना चाहिए मेक श्योर। बाहर से अगर कोई बोर्ड वगैरह आता है तो आदमी को कंफ्यूजन होता है। तो फिलहाल अपना रैम लगा लिए इसमें 12800 की, 12800। तो स्टिल डिस्प्ले नहीं आ रहा, देख सकते हैं। अभी इस बोर्ड में नो डिस्प्ले का इशू है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या है। तो अभी इसमें प्रोसेसर जो लगा हुआ है, अब देखेंगे फोर्थ जनरेशन का यूज़ हुआ था, अगर हमारे पास फोर्थ का होगा तो फोर्थ का लगाएंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल इसमें हम क्या करते हैं, एक बार CMOS को रीसेट करके वापस से लगा के दोबारा ट्राई करते हैं। और डिस्प्ले आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा रैम लगाएंगे। ऑन ओके ऑफ हो गया, वेट करते हैं। TFT की ओर चलते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ पे मूवमेंट होता है कि नहीं। और हीट सिंक भी रख देते हैं अपने इस बोर्ड पे। तो अभी तक डिस्प्ले नहीं आया, ऑरेंज लाइट आ रहा है। तो बंद करते हैं, एक बार और रैम को चेंज करते हैं। तो एक हमारे पास स्पेशल रैम है, यहाँ पे देखिए 8500U करके, इससे बेटर रिजल्ट मिलता है, हर मदरबोर्ड में चलता है लगभग। PC3L के जगह, जो लो वोल्टेज के जगह बाग छोड़ के बाकी सब मदरबोर्ड में चलता है। DDR3 का है, तो इसे मास्टर रैम भी बोलिए आप।
तो ऑन करते हैं दोस्तों। ऑन किया और अभी इधर देखते रहते हैं अपन, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। और हमारा जो सीपीयू लगा है प्रोसेसर, देखिए 4150 जो i3 है लिखा हुआ, और यहाँ पे भी देखिए 4150 i3 ये चल गया है। ठीक है, 4160 है तो यहाँ भी 4160 लिखा हुआ, तो ऑलमोस्ट हमारा डिस्प्ले आ गया। अब चलते हैं इसको बूट करा के देखते हैं कि बूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं। तो फाइनली हम फैन को क्या करते हैं, इस पर पहले ये रखते हैं हीट सिंक कि बूट हो जाए, नहीं तो प्रोसेसर शॉर्ट हो जाता कई बार, और इसमें लाइन भी लगाएंगे। तो चलिए बूट करते देखते हैं। तो ये ऑन हो गया और लाइन भी लगा लेंगे, ब्लिंक करेगा नहीं करेगा अभी पता चल जाएगा। तो ये है लाइन पोर्ट, ये देखिए। तो देखिए लगाते ब्लिंक किया था, लेकिन अभी ऑरेंज लाइट एक बार आ रही है और चली जा रही है, ब्लिंक कर रहा है देखिए। तो अभी एक स्टेबल ऑन हो गया, तो अभी यहाँ पे विंडो खुलने के बाद ही चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो F1 टू कंटिन्यू करते हैं और ये विंडो बूट हो जाएगा तभी पता चलने वाला है। तो देखिए विंडो बूट हो रहा है, और बूट होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चलता है कि नए अलग अलग मदरबोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे बूट कर गया, इसमें लैंड पोर्ट में तो ब्लिंक कर रहा है लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी क्रॉस दिखा रहा है यहाँ पे कोई भी, तो अभी यहाँ पे नेटवर्क बन के आ गया, तो यानी कि एडवांस हमारा जो लैन है वो काम कर रहा है। तो अभी हम रिपेयरिंग के लिए प्रोसेस करते हैं इसमें। तो पहले ही टेम्पर्ड हो जाता है मदरबोर्ड, और देखिए यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं फॉल्ट को, क्या फॉल्ट है, जब यूज़र इंडिकेटेड करता है तो, नहीं तो डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे लाइन पोर्ट की भी बिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इंटरनेट चला के देखते हैं कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, कई बार ये भी होता है। तो इंटरनेट एक्सेस तो आ गया यहाँ पर, ये देखिए आ गया कनेक्टेड करके। और अब हम खोलते हैं इसमें एज माइक्रोसॉफ्ट का, और इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने पहले से पेज खोला हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे कंटिन्यू या और रिस्टोर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज खुल चुका है यहाँ पे, बट माइक्रोसॉफ्ट का खुल रहा है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे, लिखेंगे यूट्यूब, देखिए यूट्यूब लिखते ही यहाँ पे पेज आ चुका है, और ये हमारा लैन पोर्ट बिल्कुल काम कर रहा है और इंटरनेट भी चल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप चेक करिए प्रॉब्लम को फिर आप रिपेयर करिए। तो अभी हमारे हिसाब से नो डिस्प्ले था, तो हमने पहले इसको रैम को चेंज करा, सीमॉस क्लियर करा, तो ये नो डिस्प्ले फिक्स हो चुका था, ठीक है। पता नहीं इंजीनियर ने कैसे यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन आप लैन पोर्ट आप देख सकते हैं दोबारा प्लग इन प्लग आउट करके, देखिए यहाँ से हट गया, ये देखिए। अब जैसे दोबारा री प्लग इन करूँगा तो यहाँ पे वापस से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ गई है ब्लू स्क्रीन एरर का, क्योंकि ये जो चलते हुए अगर सिस्टम में जैसे कैबिनेट में नहीं लगा, तो ये क्या होता है कि प्रोसेसर वगैरह ओवर हीटेड जो हो जाते हैं, तो इसके कारण से भी ये आ जाता है। तो देखिए अभी बूट हो रहा है दोबारा से, दोबारा से चेक कर लेंगे कि लैन पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आ जाते हैं इशू, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी हार्ड ड्राइव दूसरी लगी है, इसमें लगा के विंडो अगर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो अभी इसको हम बंद करके ये हीट सिंक को लगा लेते हैं, फ़ैन को, हीट सिंक फ़ैन, सीपीयू फ़ैन को, और फिर हम ट्राई करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसर जल जाएगा, इसी वजह से ब्लू स्क्रीन आ जाता है कई बार। आप इसे अटेम्प्ट ना करें बिना इसके, ये तो हम जानते रहते हैं इसके बारे में, टेस्टिंग करते रहते हैं। अगर आप पर्सनल सीपीयू सिस्टम हैं, आप यूज़र हैं, तो आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोसेसर शॉर्ट हो जाता है, मेनी टाइम शॉर्ट हो जाता है, ठीक है।
ओल्ड वर्जन है, कोड टू डू है, तो आपका शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन i3 i5 में ये क्या होते हैं कि शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी हम फैन ऐसे लगा लिए हैं, तो फैन घूम नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड में, और डिस्प्ले भी इधर आएगा और बूट करेंगे। तो डिस्प्ले आ चुका है बूट के लिए, रेडी हो चुका है, बूट कर रहा है, और ये स्किप कर रही है, कोई भी की प्रेस कर देंगे यहाँ पे, स्किप हो गया और ये आगे बढ़ जाएगा। तो बूट करते ही फिर चेक बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप USB भी काम कर रही है जब भी हम प्रेस कर रहे हैं। तो अभी वेलकम स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगेन लैन पोर्ट काम कर रहा है, दोबारा से यहाँ पे प्लग है निकाल के दोबारा से बंद हो गया, यहाँ पे देखिए दोबारा से काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोबारा से लाइन यहाँ पे काम कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं दोस्तों फिलहाल अगले वीडियो में। ऑन डो के बदरबोर्ड यहाँ पे हो गया है।